गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अगेन हम आज बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पिछली क्लास हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड का डिस्कशन कर लिए थे, फिर उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक बात किए थे। आज उसी कैरेक्टरिस्टिक को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है जो हम लोगों का 15 से जो है क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होने की संभावना है, ऐसा सरकार की तरफ से गाइडलाइन है। कोई अभी फिक्स तो नहीं है, लेकिन क्लासेस ओपन करने के बारे में कुछ निर्देश दे दिया गया है। तो जिस तरह से इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा आपके साथ हम अगेन बात करेंगे। तो एक टर्म है फ्लक्सी डेंटेट लिगेंड। फ्लक्सी डेंटेट लिगेंड मतलब झूठा लिगेंड। फ्लक्सी डेंटेट लिगेंड को आप कह सकते हैं एक टाइप का स्यूडो लिगेंड, लेकिन स्यूडो टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है यहां पे फ्लक्सी डेंट टर्म का इस्तेमाल किया गया है। EDTA हम लोग देख चुके हैं जो EDTA क्या है। तो EDTA एक तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म जानना होगा, इथाइलीन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट। दूसरा ये कितना डेंटेट लिगेंड है वे जानना होगा। तो हेक्सा डेंटेट लिगेंड यानी डोनर एटम इसके पास कितना होगा, 6। एक्चुअली कुछ सर्टेन सेंट्रल आयन के साथ ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया ये या तो काम करता है पेंटा डेंटेट लिगेंड की तरह से या नहीं तो टेट्रा डेंटेट लिगेंड की तरह से। मतलब जितना इसका एक्चुअल डेंटेट कैपेसिटी है उससे कम ये काम करता है, तो वैसा लिगेंड को फ्लक्सी डेंटेट लिगेंड कहा गया है। मतलब दोज मल्टी डेंटेट लिगेंड यानी फ्लक्सी डेंटेट लिगेंड के अंदर निश्चित रूप से क्या होगा, मल्टी डेंटेट ही आएगा। तो दोज मल्टी डेंटेट लिगेंड व्हिच बिहेव्स एज बिहेव्स लेस टेंडेंसी ऑफ डोनर डोनेशन नेचर एज देयर एक्चुअल डोनर एटम इज कॉल्ड फ्लक्सी डेंटेट। मतलब जितना उसका एक्चुअल डोनेट करने का कैपेसिटी है उससे यदि कम है तो उसको हम कह देंगे वे फ्लक्सी डेंटेट लिगेंड है। मान लीजिए हेक्सा डेंटेट है लेकिन वे काम करता है पेंटा डेंटेट और टेट्रा डेंटेट की तरह से। सल्फेट ये बाई डेंटेट है लेकिन काम करता है मोनो डेंटेट की तरह से। तो किसी भी लिगेंड में यदि हम लोगों को कह दिया जाए तो टेट्रा डेंटेट है लेकिन काम कर रहा है वे ट्राई डेंटेट की तरह से, बताइए इसको किस नाम से जानेंगे, तो फ्लक्सी डेंटेट लिगेंड के नाम से हम लोग जानेंगे। फेमस है हम लोगों का दो, एक EDTA और दूसरा सल्फेट। ये बाई डेंटेट है लेकिन काम कर रहा है मोनो डेंटेट की तरह से, और ये हेक्सा डेंटेट है लेकिन काम करता है पेंटा डेंटेट और टेट्रा डेंटेट की तरह से। तो अब हम इस पर वे क्वेश्चन ले लेते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों को जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, जो लिगेंड से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। व्हिच वन इज नॉट एक्ट एज लिगेंड, कौन लिगेंड की तरह से काम नहीं करेगा। तो जैसे ही हम लोगों से कहा जाए लिगेंड तो उसके पास क्या होना चाहिए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वे काम करेगा लिगेंड की तरह से। तो यहाँ पे यदि इसके बारे में हम देखें तो देखें आप ये लोन पेयर है कि नहीं, तो ये लिगेंड की तरह से काम करेगा। OH इसके ऊपर भी माइनस है मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। NH4 देखें ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है और ये लोन पेयर से H प्लस जब कंबाइन करता है मतलब ये लोन पेयर इसको दे देता है, और जैसे ही लोन पेयर देता है तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाता है। अब नाइट्रोजन के पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है,
इसलिए ये लिगेंड की तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि लिगेंड की तरह से काम करने के लिए एक ही पॉइंट होना चाहिए जो उसके पास अनशेयर्ड हो, लेकिन यहाँ पे अनशेयर्ड नहीं है, इसलिए ये लिगेंड की तरह से काम नहीं करेगा। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ये लिगेंड की तरह से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लॉन पेयर नहीं है, लेकिन ये लॉन पेयर है, इसीलिए लिगेंड की तरह से काम करेगा। मतलब कहने का मतलब एक वैसा क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है जो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज लिगेंड नॉट एक्ट एज लिगेंड। तो कॉन्सेप्ट इतना ही रखना है, जो जिसके पास लॉन पेयर होगा वे लिगेंड की तरह से काम करेगा, और जिसके पास कोई लॉन पेयर नहीं होगा वे लिगेंड की तरह से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन इज बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट मतलब जिसके पास डोनर एटम कितना हो, दो हो, और ये तो आपको रटना पड़ेगा। पी वाई पहचानते हैं इसको, क्या है ये पीरीडीन है, लिखा दिए हुए हैं मोनोडेंटेट लिगेंड में, तो ये तो मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया, ये मोनो है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ई एन का नेमिंग इथाइलिन डाई एमाइन, यही बाई डेंटेट लिगेंड है, और ई डी टी ए ये कितना डेंटेट लिगेंड, तो हेक्सा डेंटेट लिगेंड है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जो बाई डेंटेट, ट्राई डेंटेट, टेट्रा डेंटेट, मतलब कौन सा होगा, लेकिन फेमस है या तो बाई डेंटेट पूछा जाता है या नहीं तो हेक्सा डेंटेट। हाँ, एक मोनोडेंटेट भी कौन कौन पूछा जाता है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोडेंटेट, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइडेंटेट, और विच ऑफ द फॉलोइंग हेक्साडेंटेट, ये तीनों को आपको अच्छा से तैयारी कर लेना है। नेक्स्ट, विच वन इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड समझाए थे जो वैसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम तो एक से ज्यादा हो, लेकिन एट ए टाइम वे कॉम्प्लेक्स में एक ही डोनर एटम एक्टिव हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। तो NH3 ये तो मोनोडेंटेट है, इसके पास डोनर एटम ही एक है, CN ये भी डोनर एटम एक ही है, ऑक्जैलेट ये बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन CN में दो डोनर एटम होते हुए भी एट ए टाइम ये एक ही डोनर एटम एक्टिव होगा, इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया एम्बीडेंट लिगेंड का। तो यानी अभी तक हम लोग जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन समझे, लिगेंड के बारे में समझे, तो इस टाइप का क्वेश्चन लिगेंड से रहेगा। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ एटम ऑफ द लिगेंड, द नंबर ऑफ एटम ऑफ द लिगेंड दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम, या सिंपली हम कह सकते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय लिगेंड विद सेंट्रल एटम, उसको ही नाम रख दिया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे हम एग्जांपल देकर के और भी स्पष्ट करेंगे, अब डेफिनेशन समझिए। जो लिगेंड और सेंट्रल आयन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वही कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली जो होता है वे तो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा एक कॉम्प्लेक्स में वे 2, 4, 6, लेकिन क्या केवल 2, 4, 6 ही होता है, तो ऐसी बात नहीं है। ये लाइट ट्रांजिशन मेटल में, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक मेटल ही जनरली काम करता है सेंट्रल आयन की तरह से, तो जो लाइट ट्रांजिशन सेंट्रल आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4 और 6 होता है, लेकिन जो हैवी ट्रांजिशन मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा होता है, यानी 6 भी होता है लेकिन 6 से ज़्यादा होता है। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो चलें अब देखें, लाइट ट्रांजिशन मेटल एक्सहिबिट 4 एंड
सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर जो लाइट ट्रांजिशन मेटल है, मतलब 29 तक 30 तक उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है, जबकि हैवी ट्रांजिशन मेटल जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ही ज़्यादा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर में एक्सहिबिट मोर देन 6 यानी 6 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब हम सर्च करें जो इसके पास कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये CN सबसे पहले याद रखना होगा जो ये कितना डेंटेट लिगेंड है, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक CN एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। कैसे? तो ये जो लिगेंड जो आपको समझाए जो ये मोनो है, ये बाई है, ये ट्राई है, उसके आधार पर तो CN आप देखेंगे मोनो के अंदर है, मतलब एक CN एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कितना CN है 6, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा 6, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखें EN ये बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक EN कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है होल ट्वाइस, इसका मतलब एक EN दो, अब दो गुने दो तो दो दुना 4 और 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। F ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो F जब मोनोडेंटेट लिगेंड है तो यहाँ पे 7 है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 7। 8 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8। H2O ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ये 9। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अगले क्लास हम फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे और EAN के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।